दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ पर नौ हमें जो है 40 mm जो है इस रॉड की सीध में, हमने कॉलम का जो अभी सरिया है उसकी सीध में हमने डिफाइन बेस पॉइंट 1 किया था और उसके कोऑर्डिनेट है 0 0। तो हमें पीछे आना है, मतलब इस तरफ को आना है, हमें इस तरफ को आना है। तो हम 40 mm इस तरफ आएंगे तो हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी नॉर्थिंग की, 0.040। बट वैल्यू किस में फिट करेंगे, माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगी। और इस वाले क्वाड्रेंट में जब इस तरफ जाओगे तो ईस्ट की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस होती है, तो ये भी माइनस में फीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला जो कॉर्नर है इसके सामने है, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर और ये वाला पॉइंट अगर हम मार्क करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से 220 में से माइनस कर दो, 40 mm माइनस कम कर दो, ठीक है जी, तो 2.40 माइनस कर लो, तो कितना आ गया दोस्तों, 2.20 माइनस 0.040 कितना आ गया, 160, 2.160 माइनस में। और ये तो हो गया आपकी ईस्ट की वैल्यू, और नॉर्थ की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 0.040, और ये भी माइनस में होगी। तो हम ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और मार्क करेंगे ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट हम लगा रहे हैं, पहला पॉइंट की वैल्यू क्या आई दोस्तों, माइनस में करना है। तो हमारा मशीन जो है इस तरफ मूव कर रहा है, तो हम जो है 25 डिग्री इधर करने के लिए कह रहा है, तो हम 25 डिग्री इधर चले गए। तो हम पहले इसको क्या करें, DHO को जीरो कर देंगे, आराम से DHO को आप जीरो कीजिए, डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो DHO को हमने जीरो कर देना है आराम से, जब आपका DHO जीरो हो जाए तब आप क्या करेंगे दोस्तों, मेज़र करने गए। जब अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ये DHO, यहाँ से जो है आराम आराम से आपको करना है, मेज़र कर लीजिए, मेज़र कर लेंगे। और अब ये मशीन कह रहा है डाउन करने के लिए, 528 mm डाउन, तो 528 mm डाउन कर लीजिए एक बार, पहले थोड़ा सा मेज़र कर लीजिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है 888, अब बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया, इसका मतलब हमने थोड़ा सा ऊपर करके और एक बार मेज़र कर लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करने के लिए कह रहा है, 400 mm ऊपर, फिर हम ऊपर करेंगे हल्का सा। अभी ये अब जो 69 mm के अंदर कह रहा है, तो आप इसको एक बार फोकस को क्लियर कर दीजिए और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा और ऊपर मांग रहा है अभी, इतना करने के बाद आप जो है इसको यहाँ पर रोक दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर मांग रहा है, 5 mm 10 mm। देखिए दोस्तों ये जो है हमारा 7 mm ये हो गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं, देखिए अब जो है दोस्तों ये हमारा मार्क हो गया। अब इस पॉइंट को हम लोग लेज़र ऑन करके जो है ग्राउंड पे मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पॉइंट वहीं पे आ रहा है जहाँ पे हमें चाहिए था, ठीक है। देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो है आपका पॉइंट कहाँ है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये जो है हमारा क्या है, कॉलम का आउटर एक कोना है, मतलब शटरिंग जो आप लगाओगे ना, तो ये जो है आपका एक कोने का शटरिंग है। और वैसे ही अगर आप आउटर एज जो है दोस्तों, ये जो है आपका ये, और ये जो है दोस्तों ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड कॉलम की, ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, मार्क हो जाएगी, और आप जो है शटरिंग इसके ऊपर जो है दोस्तों वो कास्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, ऐसे ही एक यहाँ मार्क किया हमने, एक यहाँ करेंगे, एक इस कोने पर करेंगे और एक इस कोने पर करेंगे शटरिंग का कॉर्नर का पॉइंट। तो ये 40 mm, इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये 40 mm है अभी, जैसे अभी हमने दिखाया आपको ये 40 mm जो है दोस्तों आपका आना चाहिए। देखिए दोस्तों ये देखिए बिल्कुल जो है हमारा ये कॉलम का जो है दोस्तों ये 40 mm है, देखिए आपका जो है ये 40 mm आ रहा है आपके कॉर्नर यहाँ से 40 mm, ठीक है। और ऐसे में भी देखना है आपको, ऐसे में भी आपने देखा 40 mm, तो देखिए यहाँ से जो है इस कॉलम के फेस से हमारा जो है ये जो है 40 mm पे आ रहा है, ठीक है, ये जो है 40 mm पे आपका आना चाहिए। तो ये इसकी सीध में आप देखेंगे तो यहाँ से 40 mm पे जो है दोस्तों ये आउटर इसका आ रहा है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप क्या करेंगे, चारों के चारों कोने जो है वो मार्क कर देंगे ग्राउंड के ऊपर, और आप जो है शटरिंग को लगा सकते हैं। ऐसे ही जो है हम लोग कॉलम का, बीम का, स्लैब का, सबका मार्किंग करते हैं साइड के ऊपर। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोशिश कर रहे थे हम आपको पूरा समझाने की, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी बहुत सारे टोपोग्राफी, स्टेक आउट लाइन, स्टेक आउट ग्रिड लाइन, सेंटर लेआउट, आर्क स्टेक आउट, हमने बहुत सारे मेथड डाल रखे हैं, आप उनको जाके देखिए और सीखिए, ताकि आप जो है एक टोटल सिस्टम के रूप में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें कंस्ट्रक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।